प्रदेश में सत्ता के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई और इसी कड़ी में आज पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री राजे ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के बीच चुनावी मंत्रणा हुई और इस दौरान सभी ने संभागवार अपना फीडबैक रखा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि फीडबैक के मुताबिक प्रदेश में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। हालांकि शेखावत ने 60 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले के भी संकेत दिए हैं। वही कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होगी जिसमें प्रदेश की हर सीट पर चर्चा की जाएगी। उधर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बैठकें ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने पार्टी के महासचिवों की बैठक ली। भाजपा मुख्यालय में हुई इस मीटिंग में राम माधव, भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, सरोज पांडे, अनिल जैन मौजूद रहे। रुझान जनता का पोलिंग बूथ्स पर था और सर्वदूर जिस तरह के जो है समाचार आ रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये एग्जिट पोल के सारे कयास जो हैं ये धूली धूसरित होंगे और हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। सर कितनी सीटों पर मुख्यमंत्री पद की अभी हम सरकार बनाने वाले हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सीटों की संख्या की बात नहीं करनी चाहिए। 180 प्लस का मिशन जो देखिए, एक मिशन लेना, टारगेट देना, लोगों को उत्साहित करना, प्रेरित करना, आपके मेरे सबके परिवार में बच्चे हैं, हम बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेशनल फैक्टर के लिए तुम इतना करना चाहिए, ऐसा सब प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। बट रियलिस्टिक लक्ष्य, हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल आए हैं वो विपरीत जा रहे हैं, आप कितना? देखिए एग्जिट पोल जिस तरह के आए हैं वो भी इतने कंफ्यूजिंग और जो है क्रॉस रिजल्ट दे रहे हैं। एक एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ से विदाई मान रहे हैं, दूसरा एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहा है, मध्य प्रदेश में विदाई मान रहा है, एक एग्जिट पोल बीजेपी को 103 सीट दे रहा है, दूसरा एग्जिट पोल बीजेपी को 50 सीट दे रहा है। मुझे लगता है बहुत छोटे सैंपल सर्वे पे किए आए गए इन एग्जिट पोल्स से वास्तविकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम निश्चित रूप से सरकार बनाने वाले हैं।